नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैंडिड स्टॉक्स पे। दोस्तों अगर आप लोगों के पास एंजल 1 0 और अपस्टॉक्स का डीमेट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इजीली अकाउंट खोल सकते हो। और अगर मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना है तो आपको अपस्टॉक्स एंजल 1 में आपको अकाउंट खोल लीजिए और फिर जाके आप वहाँ पे जुड़ के स्विंग पोजिशनल और अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वहां से आप डिसेंट पैसे कमा सकते हो। और वहाँ पे इंट्राडे कॉल्स में अभी फिलहाल कुछ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले सिखाना है, उसके बाद जाके आपको आगे बढ़ना है। और मैं वो तभी सिखाऊंगा जब उसमें थोड़ा सा भारी मात्रा में लोग हो जाएंगे ना, तो सिखाने में भी अच्छा लगेगा। हाँ, तो वो तब मैं स्टार्ट कर दूंगा और आप लोग अच्छी से अच्छी इनकम, डिसेंट इनकम विद मिनिमम कैलकुलेटिव लॉस आप वहाँ पे गेन कर सकते हो। राइट, अभी हम लोग चलते हैं सीधा यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग्स, हम लोग जो साइकोलॉजिकल जो हमारा हेल्थ जो हमारे जो ट्रेड को अच्छे से अच्छे बरकरार रख सके मार्केट में, वो अगर हमें अच्छे से बनाना है, इस हेल्थ को, साइकोलॉजिकल हेल्थ को अगर हमें मतलब अच्छे से बिल्डअप करना है, तो ये चीज मैं जो रिटेन पॉइंट्स यहाँ पे शो किया हूँ, इसको आप जरूर से पढ़िए, देखिए, समझिए। ठीक है, समझिए, आपको काम आएगा। या तो फिर आप 2 दिन मार्केट में उछलेंगे, उसके बाद जाके टोटली अपना कैपिटल वाइप आउट करके वापस चले जाएंगे, यही होगा इससे ज्यादा। ठीक है, तो सीधे चलते हैं अभी बैंक निफ्टी 50 के चार्ट पे। निफ्टी 50 का चार्ट पे देखिए, मेरा वही एंगल, वही ट्रेंड, दोनों का दोनों। मैं ये आज नहीं, मैं बहुत दिन से एक ही ट्रेंड लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आपको जो समझाने का मेरा ये है कि देखिए, ये जो मेरा ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अभी ये यहाँ तक अपने फिर से अपने जो रेजिस्टेंस था, इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस, अभी ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस के तौर पर, ये प्योर रेजिस्टेंस के तौर पर टेक्निकली ये काम कर रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? अभी मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये कल की डेट में जो लॉन्ग ट्रेडर है, मतलब जो, हाँ, जो सो कॉल्ड 50-60 पॉइंट के लिए वो काम करते हैं, तो उनके लिए आपको यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे देखिए डबल बॉटम देने के बाद यहाँ पे फेस नहीं कर पाया, फिर नीचे आया और एक राउंडिंग बॉटम देखिए यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए ये नीचे यहाँ पे बैठा है। कल के डेट में अगर आप लोगों को यहाँ से 17144 के ऊपर, 17144 के ऊपर अगर आपको अच्छा खासा यहाँ पे स्टैग्नेंसी या फिर कंसिस्टेंसी आपको दिखने को मिले, देन आपको 17217 आपका फर्स्ट टारगेट मिलेगा और उसके बाद जाके 17300 तक का आपको टारगेट यहाँ पे इजीली शो आउट हो जाएगा। ठीक है, रिमेम्बर, अगर 17144 के ऊपर आपको अच्छा से यहाँ पे मिल गया तो कंसिस्टेंसी फिर 17217 एंड 17300। ठीक है, लेकिन ये बड़ा स्लो प्रोसेस होगा, फास्ट मूवमेंट नहीं होगा। ओके, और यहाँ से अगर ये 17144 के आसपास यहाँ पे मतलब सेम तरीके का, इसी तरीके का अगर बिहेवियर आपको यहाँ पे दिखने को मिले, ये बिहेवियर अगर आपको दिखने को मिले, यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं दिखने को मिला, जस्ट यहाँ पे स्टे किया थोड़ी देर, यहाँ पे घुमा घामा और वापस नीचे की तरफ मुड़ने को मुड़ा, तो फिर हम पी लेके चलेंगे। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया? लेकिन लॉन्ग कभी मत कीजिए, हमेशा ये कीजिए कि आपको होल्ड, मतलब हम 15 मिनट रुकेंगे, 20 मिनट, 1 घंटा रुकेंगे, हम इतना पॉइंट लेके चलेंगे, नहीं उतना। देखिए मार्केट में हम कुछ नहीं बोल सकते कि क्या हो सकता है, तो इसीलिए स्कैल्पिंग का सहारा लीजिए, 15-20 पॉइंट लेके निकले, 15-20 पॉइंट लेके ट्रेड कीजिए, यू विल बी सेफ इनफ टू बी इन मार्केट, अपने कैपिटल को सेफ रख पाएंगे और अच्छे, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा के आप आगे बढ़ेंगे। नहीं चाहिए मुझे एक दिन में 50,000, राइट, छोटे छोटे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेम बिहेवियर है, जस्ट यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया था, फिर जाके नीचे आया, एक राउंडिंग बॉटम, या फिर आप ओवरऑल आप देखो तो एक अप एंड हैंडल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कल के डेट में अगर ये 40,000 आपको 40,150 के ऊपर अगर आपको सस्टेन्स आपको दिखा, तो ये आपको 4400 से 4500 तक का आपको टारगेट दिख सकता है या फिर दिखेगा। ठीक है, 4400 से 4500 तक का को टारगेट दिखेगा और फिर जाके एक प्रॉफिट बुकिंग का इसमें सिनेरियो आ सकता है। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो हम लॉन्ग करके नहीं चलेंगे, हम स्कैल्पिंग का ही सहारा लेंगे, अपसाइड में भी स्कैल्पिंग और यहाँ से अगर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आया,
तो फिर डाउन साइड में भी स्कैल्पिंग रहेंगे पी, ठीक है। नीचे के साइड में पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ज्यादातर चांस लग रहा है कि एक गैप अप या फिर एक गैप अप दे के और एक हाई बना के वो साइडवेज चले, ठीक है। ये ज्यादातर पॉसिबिलिटी है, एक गैप अप दे के या फिर एक हाई बना के एक ये साइडवेज चले। तो जैसे भी हो स्कैल्पिंग को मत भूलिएगा, और ये स्ट्रेटेजी आपको सीखने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा। ओके, आफ्टर ऑल योर विश, समझ गए। नेक्स्ट आपको हम चलेंगे जो बीते हुए कल के लिए आपको जो इंट्राडे स्टॉक दिया था वो था टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में मेरा जो था बाइंग था 516 का बाइंग था, टारगेट था फर्स्ट टारगेट 521 जो प्रायोरिटी है, सेकंड इज ऑप्शनल 525 था। और हमारा बाइंग के बाद यहां से आपको आपको टारगेट कितना मिला, सेम टू सेम 534 तक का टारगेट मिला, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल गया। एक छोटे से स्टॉक पे 18 पॉइंट्स का टारगेट मिलना बहुत बड़ी बात है, पता नहीं आप लोगों ने क्या किया। इस स्टॉक में आप चाहो तो कल भी इंट्राडे स्टॉक इंट्राडे आप कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें पूरी बात नहीं है। लेकिन मैं एक ही स्टॉक में बार बार इसलिए नहीं देना चाहता, आप लोग बोरिंग हो जाते हो। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो कल के लिए होगा वो है पीईएल पेल। पेल में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए अच्छा खासा यहाँ पे मतलब अच्छा लगा मुझे ये बहुत, मतलब एक अच्छे टेक्निकली तो हम अच्छे साउंड साउंड यहाँ पे दिख रहा है मुझे अच्छे, अच्छा इसमें कुछ हो सकता है कल के डेट में। जैसे देखिए ये एक अगर हम थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में हम लोग देख लेते हैं, 15 मिनट में ही देख लेते हैं, तो 15 मिनट में देखिए एक अच्छा फ्लैग एंड पोल यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस देते हुए एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद एक थ्रोबैक देने की कोशिश किया हुआ है, थ्रोबैक देने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसे आवली टाइम फ्रेम में देखें, क्योंकि मैं आवली टाइम फ्रेम को ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये एक क्लियर कट वर्जन यहाँ पे मुझे दिखता है, ठीक है। तो पेल में कल के डेट में यहाँ से जैसे ये अनडिसाइसिव है जरूर, लेकिन ये थ्रोबैक देखे जैसे ही आप मूव देगा तो हम इसको 667 में बाई करेंगे, 667 में बाई करेंगे। इसका मैक्सिमम यहाँ पे जो है ये है 673 का हम लोग यहाँ पे टारगेट लेके 6 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। ओके, और फिर मैं बता देता हूं अगर ये 6673 के ऊपर 674 के ऊपर यहां पे सस्टेन करता है तो आपको 682 तक का टारगेट दिखेगा। तो अगर इसके ऊपर भी अगर जाता है तो आप उसको ट्रेल करें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे जरूर, क्योंकि ट्रेल करने से आपको क्या होगा कि आपको मैक्सिमम पैसा यहां पे बुक होगा, ठीक है। बट स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना पड़ेगा टारगेट अचीव के साथ। एंड इन सेम केस अगर ये यहाँ से डाउनफॉल होता है, मान लो यहाँ से टिका नहीं और फेक ब्रेक देके नीचे की तरफ मूवमेंट दिया, तो हम 657 में सेल आउट करेंगे और इसका जो मैक्सिमम टारगेट है इसका 651। ओके, क्लियर है टेक्निकली, और क्या चाहिए दोस्तों, मार्केट को सिंपली जितना सिंपली 50 बैंड वैंड फालतू का चीज नहीं लगा के सिंपली जो मुझे दिख रहा है मार्केट में मैं वही करूंगा। हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ यू आर राइट, इफ यू आर राइट इन योर डिसीजन, तो आपका अगर कैलकुलेटिव लॉस भी जाता है इट्स ओके, यू विल बी सैटिस्फाइड विद दैट। ओके, सो कल के डेट में हम पीएल लेके हम ट्रेड करेंगे। ओके, और हैप्पी रामनवमी टू ऑल, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा त्योहार को, मार्केट में शांति के साथ आराम से ट्रेड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।